नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पेंशनर के लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर हैं दोस्तों। पीसीडी इलाहाबाद के द्वारा लेटेस्ट सर्कुलर जारी कर दिया गया है, पीसीडीए सर्कुलर नंबर 619। दोस्तों क्या है इसके अंदर, जो हवलदार है जिनको ऑनरी रैंक नायब सूबेदार का दिया गया है, स्पेशली जो प्री 2001-2006 के पहले के रिटायरी हैं दोस्तों, और जिनकी एक्स ग्रुप में 8450 बेस के पेंशन थी और वाई ग्रुप में 7750 पेंशन, जो कोर्ट के द्वारा स्पेशली एफटी के द्वारा जहाँ आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा ग्रांट की गई थी, उनके लिए ये खास देश है। क्या लिखा है ऑर्डर में हम पढ़ के सुनाएंगे दोस्तों आपको, और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आप अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं या केंद्रीय पेंशनर हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स डीएससी में सर्विस करते हैं या पेंशनर हैं दोस्तों, और जहाँ फिर आप डिफेंस सिविलियन या डिफेंस पेंशनर दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे दोस्तों बटन आ रहा होगा रेड कलर का, उसको दबा लें, घंटी का बटन आ रहा है दबा लें, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। इससे होगा क्या, जैसे जैसे हम आने वाली वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले आप सूचना प्राप्त करेंगे और सबसे पहले वीडियो के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आप वीडियो अच्छी लगी आपको, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और कोई कमेंट हो माने में तो आप कमेंट भी जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्या है ऑर्डर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिस ऑफ द पीसीडी यानी कि प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन इलाहाबाद के द्वारा ये लेटेस्ट सर्कुलर नंबर 619 जारी किया गया है, दिनांक 14 मार्च 2019। किन किन को ये एड्रेस किया है, देखिए यहाँ चीफ अकाउंटेंट आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद आर सीएमडीज पब्लिक सेक्टर बैंक के जो है नोडल अफसर, आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सेस, आईडीबीआई बैंक, आर मैनेजर सीपीपीसी, एस मिलिट्री एंड एयर अटैच, इंडियन एम्बेसी जो नेपाली पर्सन के लिए है, पीसीडीए चंडीगढ़, सीडीए मेरठ, सीडीए चेन्नई, ऑल डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी, आप जितने भी खजाने के डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी जगह ये सर्कुलर गया है। क्या सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, जो दोस्तों ऑनरेरी रैंक जिन नायब सूबेदार को मिला है 1/1/2006 के पहले के रिटायरी हैं और कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया गया है, एएफटी के द्वारा ऑर्डर दिए गए हैं, तो उनके लिए ये खास ऑर्डर है। ऑर्डर में क्या लिखा बताना चाहता हूँ, जिनकी जो बेसिक पे 1/1/2006 से पहले रिटायरी की, जो एक्स ग्रुप वालों की 8450 रुपये और जो वाई ग्रुप वालों की और जेड ग्रुप वालों की 7750 रुपये है, उनको दोस्तों अगर एएफटी के द्वारा पेंशन नैब सूबेदारी की ग्रांट की गई थी, तो उनके वहां पे कंडीशनली ग्रांट की गई थी, और उसके उनके पीपीओ में यहाँ पे ये वार्डिंग लिखी रहती थी, द सेंक्शन वेल बी होएवर बी सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम ऑफ अपील इफ एनी फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द इवेंट द अपील इज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, द पिटिशनर शैल बी लाइबल टू रिफंड द एंटायर अमाउंट पे टू हेम अंडर द इविड सेंक्शन। कहने के मतलब कंडीशनली आपको पेंशन दी जाती थी, अगर ये केस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हक में हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या बड़ी कोर्ट के द्वारा, तो आपको ये पैसा रिफंड करना होगा, वापस करना होगा दोस्तों। तो ये जो अभी है इन्होंने ऑर्डर में यह क्या लिखा, यहाँ पे पैरा 3 में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वार्डिंग है जिनको पेंशन ग्रांट कर दी गई है नए पीपीओ में दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा आएगा मतलब कि मे पी ट्रीटेड एज डिलीटेड, मतलब कि वे जो वार्डिंग है आपकी अगर लिखी आ भी रही है तो इसको ट्रीटेड एज डिलीट ट्रीट किया जाए, मतलब कि यहाँ से हट गई है आपके पीपीओ में और नए पीपीओ में तो ये बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है पेंशनर के लिए, जो ऑनरे नायब सूबेदार साहब हैं जो पेंशन एएफटी के द्वारा कोर्ट केस के द्वारा जो जीते हैं, उनको कंडीशनली सेंक्शन की गई थी और जीतने के बाद ये वार्ड हट गई है, आपको जो ट्रीटेड एज डिलीटेड आपके लिखा भी हुआ है तो उसको डिलीट ही समझो, उसके मतलब आपको एकदम प्लेन पीपीओ आपके पास है, खुशखबरी बनती है दोस्तों। आपको एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।